सो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त सुमित और लेकर हाजिर हो चुका हूँ आप सबों के बीच ऑडियो लैब सीरीज का पार्ट 6। सो फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में आपने सीखा ऑडियो लैब पार्ट 5 में किसी भी ऑडियो को अलग अलग फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ को आपको हमारे जितने भी पार्ट्स दिए जा रहे हैं वे सारे बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। ऑडियो लैब 1 से लेकर 5 तक बहुत ही ज़्यादा पसंद आए, उम्मीद करता हूँ। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम 3 ऑप्शंस को एक साथ करेंगे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमारा सीरीज चल जाएगा, बहुत ही लंबा चला जाएगा और बहुत जल्द हमें ख़त्म भी करना है। और वैसे भी वीडियोस हो सकती है थोड़ी लंबी बन जाए, मगर आज हम 3 ऑप्शन को एक साथ देखेंगे और बहुत ही कमाल के फीचर्स हैं आज हम जिनके विषय में बात करेंगे। इसलिए आप सभी वीडियोस को पूरा देखिएगा। अगर आप पूरा नहीं देखते हैं तो हो सकता है कुछ आप छोड़ सकते हैं, तो आप ज़रूर देखिए और इन सब फीचर्स का भी यूज कीजिए और अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से। चलिए फिर, और अब तक अपने हमारे टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ा है तो जल्द से जल्द कीजिए फॉर्म को सबमिट और जुड़ जाइए हमारे टेक्निकल व्हाट्सएप ग्रुप से। अब चलिए बिना समय गवाए अब सीधे शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहले आपको ऑडियो लैब एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और उम्मीद करता हूँ कि आपने इंस्टॉल कर लिया है और ऑडियो लैब के सारे सीरीज को बहुत ही ध्यान से सुनते होंगे, उम्मीद करता हूँ। और आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको हमारे सीरीज कैसे लग रहे हैं, कितना कुछ सीखने को मिला। आप ज़रूर कमेंट कीजिए ताकि हमें मालूम चले। आप लोगों के कमेंट थोड़ा कम आ रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे। चलिए फिर, तो सबसे पहले ऑडियो लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है और अब तक हमने जाना टैग एडिटर, कन्वर्ट ऑडियो पिछले वीडियो में हमने जाना। अगला ऑप्शन है रिकॉर्ड ऑडियो, इससे हम अपनी आवाज़ को एकदम गुड क्वालिटी में रिकॉर्ड कर सकते हैं। और मैं एक दिन एक एक्स्ट्रा ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें कि एक अच्छे से एडिटिंग बताऊंगा अपने रिकॉर्ड किए हुए सॉन्ग में, एकदम बढ़िया से एडिटिंग करके बताऊंगा कि किस प्रकार से हम एडिटिंग कर सकते हैं। चलिए फिर, आज हम जानेंगे रिकॉर्ड ऑडियो, स्प्लिट ऑडियो, रिवर्स ऑडियो, ये 3 चीज़ के विषय में आज हम जानेंगे। चलिए फिर, तो सबसे पहले इस रिकॉर्ड ऑडियो का बटन पर आपको क्लिक करना है। तो रिकॉर्ड ऑडियो का कोई ज़्यादा फीचर नहीं है इसके अंदर, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऑटो ट्यून का ऑप्शन लगा सकते हैं जो कि वोलको का आप एक ट्यूटोरियल देखा होगा तो उसमें जो ऑटो ट्यून था वही ऑटो ट्यून का ऑप्शन लगा सकते हैं। चलिए देखिए, जैसे आप रिकॉर्ड के बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर फाइल नेम पूछा जा रहा है किस नाम से रिकॉर्डिंग को आप सेव करना चाहते हो। अगर आप किसी और नाम से सेव करना चाहते हो तो नाम लिख दो या फिर इसे ही रहने दो। और इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी में रिकॉर्डिंग होती है। यहाँ पर चैनल वगैरह सेट करने को हो तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको अगर इस सब के विषय में कुछ आइडिया है तो आप सेट करो, नहीं तो जैसा है वैसे ही रहने देना है। किसी प्रकार से यहाँ पर आपको चेंजिंग नहीं करना है। यहाँ पर ऑडियो फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आप ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहते हो, यहाँ पर वाव है। चलिए मैं MP3 करता हूँ। अगला बटन है, अगर कोई फ़ोन कॉल वगैरह आता है तो रिकॉर्डिंग आपका खुद से ही पॉज हो जाएगा। इसे आपको ऑन रखना है या ऑफ, अगर ऑन रखना है तो ये ऑन रख लो कि जब भी आपका अगर कोई कॉल आ जाए रिकॉर्ड के बीच में तो खुद से ही स्टॉप हो जाए, फिर बाद में आप वहीं से रिकॉर्ड कर सकते हो। चलिए, ऑटो ट्यून ऑप्शन ऑफ है मेरा तो इसे मैं ऑन करता हूँ। ऑटो ट्यून मतलब आवाज़ आपका थोड़ा बहुत कंप्यूटर जैसा लगेगा अगर रिकॉर्ड करोगे तो। बस यहाँ स्किप साइलेंस यहाँ पर ऑफ है, जैसे आप चाहो तो ऑन रखो। बाकी इतने सारे सेटिंग्स मिलते हैं, इन सब चीज़ों का अगर आपको ज़रूरत है तो ऑन रखो या फिर ऑफ रखो, मगर रिकॉर्डिंग बहुत ही अच्छी क्वालिटी में होता है। देखो इको कैंसलर है, इसे आप ऑन रखो या फिर ऑफ रखो आपकी मर्जी। और यहाँ पर स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर अगला बटन मिलता है चेंज की। फ्रेंड्स एक और चीज़ बता दूँ, आप एप्लीकेशन को अप टू डेट हमेशा अपडेट किया हुआ रखना, नहीं तो हो सकता है कुछ फीचर आपके में वर्क ना करे। चलिए फिर, यहाँ पर
की सेटिंग है, इस बटन पर क्लिक करोगे तो जितने भी ए मेजर, बी मेजर, जितने भी मेजर माइनर आते हैं सारा कुछ आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिए चलिए मैं डी मेजर सिलेक्ट कर लिया। यहाँ पर अपने स्केल के हिसाब से आप मेजर माइनर सिलेक्ट करना, अगर आपको आइडिया नहीं है कुछ भी तो बाय डिफॉल्ट जो है उसी में रहने देना, इसे भी आपकी वॉइस बहुत अच्छी आएगी। यहाँ पर पिच सेकंड सेटिंग कर सकते हैं आप। देखिए तो इस प्रकार से यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस मिलते हैं। इसके विषय में एक और नया ट्यूटोरियल लाऊंगा जिसमें कि मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में और भी चीज़ों को देखना है इसीलिए, तो इस अगर इन सब विषय के में आपका आइडिया है कुछ तो अपने हिसाब से सेट करो, या फिर अगर कुछ भी मालूम नहीं है अगर तो आप बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसे रहने दो। आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत ही अच्छी क्वालिटी में मतलब रिकॉर्ड होगी आप बाय डिफॉल्ट अगर रखोगे तो। तो इतना सारा यहाँ पर ऑप्शन मिलता है। देखिए यहाँ से आपको स्लाइड करते हुए जाना है और यहाँ पर ओके का बटन मिलता है, इस बटन पर क्लिक करोगे तो आपका रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए अब मिल गया स्टार्ट रिकॉर्डिंग, इस बटन पर आप क्लिक करोगे तो स्टार्ट रिकॉर्डिंग आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो उससे पहले एक चीज़ बता दूँ, अगर आप ऑटो ट्यून का सिलेक्ट नहीं करते ऑप्शन तो इतना कुछ ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप बहुत कम ही मिलेगा। तो ऑटो ट्यून का आपकी मर्जी, आप चाहो तो करो नहीं तो आप मत करो। तो मैं जैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ, देखिए ये हमारा रिकॉर्ड हो रहा है और रिकॉर्डिंग ख़त्म होने के बाद मेरा वॉइस आपको किस क्वालिटी में सुनाई देगा आप एक बार देखना। तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तो यहाँ पर अच्छा हाँ ये स्टार्ट नहीं था, अब स्टार्ट हो चुका है। तो देखिए ये हमारा पहले हो चुका है और रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद मेरा वॉइस आपको किस क्वालिटी में सुनाई देगा आप एक बार देखना। तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट है तो यहाँ पर अच्छा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट हो चुका था पहले से ही, तो वहाँ पर फिर से ये स्टार्ट रिकॉर्डिंग दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो यहाँ से रिस्टार्ट कर सकते हैं फिर से अगर आपको करना है तो, और यहाँ से ये पॉज हो चुका है, अगर दोबारा रिकॉर्ड करना है तो इस पर क्लिक करो तो आपका दोबारा रिकॉर्ड होने लगेगा। और ये रिस्टार्ट शुरू से अगर रिकॉर्ड करना है तो उसके लिए दिया हुआ। तो आपने देखा कि थोड़ी बहुत कंप्यूटर जैसी लग रही थी वॉइस मतलब अलग, तो इस प्रकार से मैं सिंपल अभी बोला इसलिए अगर गाना के साथ रिकॉर्ड करता तो और भी बेहतर सुनाई देगा। और इसी रिकॉर्ड में अगर आप अच्छे से एडिट करोगे कहीं पर और इसी एप्लीकेशन के मदद से मैं एडिटिंग भी बताऊंगा, तो एडिट करोगे इसी वॉइस को तो और भी बेहतर क्वालिटी लगेगी। तो मैं अच्छे से एक अलग से एक ट्यूटोरियल लेकर जरूर आऊँगा। चलिए यहाँ से आप एडिट कर सकते हो, पीछे जो बटन था यहाँ से आप एडिट कर सकते हो इस रिकॉर्डिंग को, कुछ ट्रिम वगैरह करना है तो, और यहाँ से आप सेव कर सकते हो। चलिए फिर अब अगले ऑप्शन को देखता हूँ, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हमने रिकॉर्ड ऑडियो देखा। देखिए स्प्लिट ऑडियो का मतलब होता है कि ऑडियो आपका अगर 5 मिनट का है तो आप उसे एक बार में ही 2.5 मिनट का बीच से काट सकते हो, तो बस इसी चीज़ के लिए। तो इसे आप खुद से ट्राई करना, अगर समझ में अगर आपको नहीं आती अलग से एक ट्यूटोरियल बना कर दूंगा, क्योंकि इसकी उतनी ज़्यादा आवश्यकता नहीं है और वो ट्रिम के ऑप्शन से भी आप काट सकते हो, तो इसलिए अगर आप चाहो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो और ख़ुद से एक बार इसे ट्राई ज़रूर करना। अगला है रिवर्स ऑडियो, इसे हम जानते हैं। चलिए चलिए रिवर्स ऑडियो आपका ये है, कोई भी अगर आपका सॉन्ग रहेगा उसे अगर आप रिवर्स करोगे तो वो उसका उल्टा बजने लगेगा। जैसे कि हमें है डीजे सुमित है तो उसका उल्टा जो होगा वहाँ से सुमित से स्टार्ट होकर सुमित का उल्टा जो है वहाँ से होकर डीजे तक आएगा तो उल्टा बजने लगेगा। तो एक बार मैं सुनाता हूँ आपको, मज़ा आएगा, इसे आप कभी इस्तेमाल कर सकते हो फन के लिए है ये एक।
ऐसे तो ज़्यादातर इस्तेमाल इन सब चीज़ों का नहीं आता है, मगर ऐसी आप कर सकते हो। चलिए डीजे नाम से मैं सेव कर रखा था। देखिए मैं प्ले करके पहले सुना रहा हूँ आखिर ये कौन सा सॉन्ग है, ताकि बाद में आपको मालूम चलेगा कि यही किस प्रकार से बज रहा है। आप सबों को डीजे सुमित की ओर से हैप्पी रामनवमी। देखिए ये है और इसका उल्टा देखिए किस प्रकार से। आप सबों को डीजे सुमित की ओर से देखिए इसमें क्लिक किया, सॉन्ग को मतलब सिलेक्ट करना है, सॉन्ग को सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए अब प्ले कर रहा हूँ, अब किस प्रकार से सुनाई देगा देखिए। तो इस प्रकार से इसे आप अपने फन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसका उल्टा बजेगा ये, तो रिवर्स ऑडियो का यही काम है। किसी भी सॉन्ग के साथ आप इस प्रकार से एक्सपेरिमेंट कर सकते हो अगर आप चाहो तो कुल मिलाकर यहाँ पर सेव का बटन है, क्लिक करोगे तो ये सेव हो जाएगा और आपके फाइल मैनेजर में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने तीन चीज़ों को जाना, जिसमें से कि एक स्प्लिट ऑडियो उसे छोड़ दिया गया क्योंकि वो बीच से काटने का है, तो आप चाहो तो कर सकते हो, तो उसे आप खुद से एक बार जरूर ट्राई करो क्योंकि वो बहुत ही ईजी है, बाकी ऑप्शंस के तरह ही है। और इस सीरीज को जल्द से जल्द ख़त्म भी करना है ताकि अगली सीरीज शुरू किया जाए, और वैसे भी बहुत से लोग पहले से ही अगले ऑप्शन को देख रहे हैं कि अगला ऑप्शन क्या है, उसके साथ कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर कर रहे हैं, मगर जितने भी न्यू यूजर बाद में देखेंगे उनके लिए ये हेल्पफुल हो, इसलिए मैं पूरा एक एक सीरीज कर रहा हूँ। तो चलिए फिर इस प्रकार से आज का ये पार्ट 6 हमारा ख़त्म हो चुका है, और अगले वीडियो में हम पार्ट 7 को लेकर आएंगे जिसमें कि इसके अगले ऑप्शन को हम जानेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, फिर से मिलते हैं अगले दिन अगले पार्ट को लेकर।